आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट। Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known fact. हमारे सामने एक statement given है, साथ ही साथ कुछ conclusions 1 and 2 दिए हुए हैं। हमें बताना statement के according हमारे कौन से conclusions right होंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने statement given है, only a few songs are melody. Only a few मतलब some songs are melody. Only a few melody are film, some melody are film. No film is award. Film बनी थोड़ी दूर पर award. दोनों का negation है. Nomenclature करेंगे, only a few songs are melody. ये क्या है, हमारे songs है. S-O-N-G-S. ये क्या है melody. M-E-L-O-D-Y. Then, only a few melody are film. No film is अवार्ड, ए डब्ल्यू ए आर डी, फिल्म कटेगी देन अवार्ड कटेंगे, दोनों का दुश्मनी है, निगेशन है। कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन टू, वन कहता है ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सॉन्ग के फिल्म होने की पॉसिबिलिटी है। पहले नॉर्मल बनाएंगे, ऑल सॉन्ग आर फिल्म रॉन्ग है तो इसकी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, मेलोडी का कुछ पोर्शन अवार्ड नहीं है, बिल्कुल सही। मेलोडी का ये जो पोर्शन है ये अवार्ड में से नेगेशन में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों हमारे फॉलो करते हैं, ऑप्शन डी करें। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।